नमस्कार, आप देख रहे हैं मेडिकल माइक और मैं हूं आपके साथ सन्नी प्रियदर्शी। अभी हमारे साथ हैं बर्न एंड प्लास्टिक सर्जरी की HOD डॉक्टर वीना कुमारी सिंह मैम। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका मेडिकल माइक में। धन्यवाद मैम। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि राइनोप्लास्टी होता क्या है। राइनोप्लास्टी जो प्लास्टिक सर्जरी में एक सर्जरी की विधि होती है, इसमें हम नाक की सर्जरी करते हैं। राइनो का मतलब नाक होता है, तो उस पर किया गया कोई भी सर्जरी राइनोप्लास्टी के ही तहत होता है। राइनोप्लास्टी में जो दो तरह की राइनोप्लास्टी होती है, एक होता है रिकंस्ट्रक्टिव राइनोप्लास्टी और एक होता है एस्थेटिक राइनोप्लास्टी। रिकंस्ट्रक्टिव राइनोप्लास्टी जो होता है, जैसे किसी की नाक कट जाती है या किसी की जन्म से ही नाक नहीं है, तो उस कटे हुए नाक का पुनर्निर्माण करना या जिसका जन्म से नाक नहीं है उस नाक को बनाना, ये तमाम प्रोसीजर्स रिकंस्ट्रक्टिव राइनोप्लास्टी कहलाते हैं। एस्थेटिक राइनोप्लास्टी जो होती है, वो उसमें ऑलरेडी नाक है, ठीक ठाक नाक है जो अपना फंक्शन कर रही है, लेकिन या तो नाक थोड़ा सा टेढ़ा है या किसी का टिप मोटा है या किसी को नाक चौड़ी लगती है अपनी, तो उसमें जो बदलाव करने की सर्जरी होती है जिससे कि नाक को एक सुंदर रूप दिया जाए, उसको हम लोग एस्थेटिक राइनोप्लास्टी कहते हैं। तो ये दो तरह की राइनोप्लास्टी होती हैं और इसमें ज़रूरत पड़ने पर मरीज के नाक से ही सेप्टम से एक ग्राफ्ट लिया जाता है या कान से कार्टिलेज ग्राफ्ट लेते हैं, कई बार हाथ से या फिर कमर से भी एक हड्डी लेकर के राइनोप्लास्टी की जाती है। तो ये तमाम तरह के प्रोसीजर्स राइनोप्लास्टी में करना। मैम, ये जो है फिल्मी दुनिया में आजकल बहुत सारी एक्ट्रेस हैं, वो सुंदर दिखने के लिए अपने नाकों का सर्जरी कराती हैं, तो इसको देखकर जो आम लोग भी हैं उन लोगों में भी इसका प्रचलन काफी बढ़ा है, तो ऐसे में इसका सक्सेस रेट कितना है और इसके साइड इफेक्ट क्या है, इसके बारे में थोड़ा आप बताइए। तो राइनोप्लास्टी, इसमें कोई शक नहीं है कि सबसे ग्लैमरस प्लास्टिक सर्जरी प्रोसीजर माना जाता है, बिकॉज किसी भी इंसान का जो व्यक्तित्व होता है उसके लिए वो जरूरी है उसका आत्मविश्वास, और कहीं ना कहीं इस आत्मविश्वास में जो हमारा लुक होता है, जो हमारा अपीयरेंस होता है, वो मैटर करता है। तो अपने अपीयरेंस को और निखारने के लिए राइनोप्लास्टी भी एक सर्जरी करवाई जाती है। जैसे एक्ट्रेसेस, उनका मेन काम जो है, जो इन्वॉल्व है, उसमें उनका अपीयरेंस बहुत मैटर करता है, किस तरह का लुक है, एस्थेटिक पॉइंट से उनका लुक जो है वो अच्छा है या नहीं है। तो इसलिए एक्ट्रेसेस हों या एक्टर्स भी हों, वो लोग इस तरह के प्रोसीजर्स करवाते हैं, कभी नाक के, कभी जबड़े के या लिप्स के भी करवाते हैं, जिससे जो चेहरा है और बेहतर और आकर्षित दिखे। अब उनको इतना सुंदर देख करके, उनके चेहरे को इतना आकर्षित देख करके, आम जनता भी उसमें भी इसलिए चाहत उत्पन्न होती है कि हम भी ऐसा कर सकते हैं, तो इसमें कोई गलत नहीं है। बिल्कुल, जिसे भी लग रहा है कि नहीं, मेरे लुक में ये ज़रा सा कुछ एक बदलाव आ जाता सर्जरी की विधि से, जिससे कि मेरा लुक और निखर सकता है, मैं और आकर्षित दिख सकता हूँ या दिख सकती हूँ, तो इसमें एस्थेटिक सर्जरी करवाई जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। रही बात इसके रिस्क की, तो जिस तरह से किसी भी सर्जरी में रिस्क होता है, जैसे इन्फेक्शन का, टांके खुलने का, या जो हड्डी या कार्टिलेज हमने लगाया, कई बार वो गल जाता है, वो पूरी तरह से बॉडी जो है उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाती है, तो ये तमाम तरह के जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, ये किसी भी प्लास्टिक सर्जरी विधि में होती है, आम सर्जरी में भी होती है, वही राइनोप्लास्टी में भी वही सेम रिस्क और सेम कॉम्प्लिकेशंस है। ये जरूर रहता है कि तकरीबन एक महीने तक नाक थोड़ी लाल सी दिखेगी, सूजन रहेगा, कई बार जहाँ पर हमने हड्डी डाली है वहाँ पर एक प्लास्टर डालते हैं, नाक को चोट से बचाना पड़ता है, कई बार एक छोटा सा टांकों का निशान नाक के नीचे आता है, उसका भी स्कार केयर करना पड़ता है ताकि वो हल्का से हल्का दिखे। तो ये तमाम तरह के कॉम्प्लिकेशंस और परहेज राइनोप्लास्टी प्रोसीजर के साथ एसोसिएटेड हैं। मैम, कई बार ऐसा देखा जाता है कि लोग एक बार सर्जरी कराते हैं
और वो उस चीज को मैच नहीं कर पाते। जैसे उनके मन में ये आ गया कि अरे हमें इस एक्ट्रेस के जैसे हमको दिखना है कॉपी करने के दौरान, तो वो एक बार में सर्जरी वो सक्सेस नहीं हो पाता है, तो वो उसके कई बार लगातार सर्जरी करा लेते हैं, जिससे उनका बिल्कुल जो है वो चेहरा बदल जाता है और बिगड़ जाता है। तो ऐसे में अपने यहाँ ये सर्जरी कितना जो है आसान है, और आप दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे कि अगर आप सर्जरी कराते हैं तो इसमें कोई रिस्क नहीं आएंगे, जब वो सक्सेस रेट उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये जो हमारी इच्छाएं रहती हैं कि अमुक एक्ट्रेस की तरह हमारी नाक हो जाए या हमारा लुक हो जाए, तो वह कतई संभव नहीं है। वह किसी भी प्लास्टिक सर्जरी विधि से एकदम ही संभव नहीं है। तो पहले तो ये अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन जो होता है, हम लोग इसके लिए ये वर्ड ही यूज़ करते हैं, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन, ऐसी आशा जो रियल नहीं हो सकती है। तो पेशेंट्स जब अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस के साथ आते हैं तो उनकी हम काउंसलिंग करते हैं, उन्हें बहुत क्लियर कट बताया जाता है कि आपकी नाक किसी भी दूसरे इंसान के नाक की तरह नहीं हो सकती है। अब रही बात उनकी नाक में अगर उन्हें कुछ गड़बड़ी दिख रही है तो वो उसका कैसे इलाज करना है, इसके लिए हम क्या कहते हैं, कई बार हमारी प्लास्टिक सर्जरी रूल्स के हिसाब से वो नाक कई बार ठीक रहती है लेकिन मरीज को अच्छी नहीं लगती है अपनी नाक, तो उसमें हम मरीज से ही पूछते हैं कि आप बताइए कि कौन सा पार्ट आपको खराब लग रहा है, तो फिर हम वहाँ पे सर्जरी कर सकते हैं। तो इस तरह का समझाते हैं उन्हें, और साथ में उन्हें ये भी बताते हैं कि जैसे वो सर्जरी का कॉम्प्लिकेशन, मैंने आपको बताया ना कि हड्डी भी गल जाती है, जो हम हड्डी नाक को उठाने के लिए कई बार करते हैं, नाक को शार्प बनाने के लिए, उसमें ये होता है कि नाक का शेप बिगड़ सकता है, तो ये भी एक कॉम्प्लिकेशन, ये एक रिस्क है। इसको रिस्क को एक्सेप्ट करने के बाद ही हम भी सर्जरी के लिए आगे बढ़ते हैं, और मरीज से भी हमारी यही एक्सपेक्टेशन रहती है कि जहाँ भी सर्जरी है वहाँ कॉम्प्लिकेशन है, तो अगर कॉम्प्लिकेशन और रिस्क लेने के लिए पेशेंट तैयार होता है तभी सर्जन आगे बढ़ता है। और ये ऐसा रिस्क, ऐसा कॉम्प्लिकेशन कम होते हैं, बहुत ही कम होते हैं, लेकिन होते हैं, ये भी हम बताते हैं मरीज को। तो दिमाग में ये तमाम चीज़ें रख करके ही सर्जरी के लिए आगे बढ़ना है, और कभी भी जो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस एकदम से बिल्कुल वैसा इमेजिनेशन कि मेरी नाक की सर्जरी हो जाएगी तो मैं बहुत बेहद खूबसूरत दिखने लगूंगी या लगूंगा, ऐसा नहीं होता है। नाक बेहतर बनाने के लिए ही सर्जन भी मेहनत करके सर्जरी करता है, तो मरीज को भी ये चीज़ें समझनी होती हैं। मैम, एक मेरा अगला और आखिरी सवाल आपसे ये है कि ये सर्जरी के बाद कितने दिनों में जो है पेशेंट नॉर्मल हो जाता है और वो ठीक हो जाता है? ये राइनोप्लास्टी के बाद, जैसा मैंने आपको बताया कि तकरीबन जब हम हड्डी वगैरह डालते हैं तो उस नाक पर हम एक टेप लगा के रखते हैं, एक प्लास्टर लगा के रखते हैं, जिसको हम करीब करीब एक महीना तक रखते हैं। उस दौरान में मरीज को उस नाक के ऊपर लगा हुआ टेप और प्लास्टर के साथ ही रहना पड़ता है, प्लस नाक में कुछ सूजन होती है, लालपन रहता है, तो ये सारा कुछ सेटल डाउन करते करते एक से डेढ़ महीने लग जाता है। तो इतना समय लगता है सर्जरी का फाइनल रिजल्ट दिखने में, क्योंकि इनिशियली हमने ऑपरेशन किया और नाक में इतनी सूजन होती है तो वो रिजल्ट नहीं दिखता है, तो एक से डेढ़ महीने में ये सूजन भी खत्म हो जाती है, जो हड्डी हमने डाला था वो हड्डी ठीक तरह से लग जाती है, लालपन कम हो जाता है, तो असली रिजल्ट देखना दिख जाता है। तो पेशेंट का जो रिकवरी टाइम एक से डेढ़ महीने होता है, लेकिन उसके बाद भी कई महीनों तक नाक को चोट से बचा करके रखना होता है। मेडिकल माइक में जुड़ने के लिए और इतनी अहम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।